नमस्कार, सिटी स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। और प्रपत्र का विमोचन हो रहा है, कृपया तालियों से इसका स्वागत कीजिए। पहली बार टीका स्वागत एकल पुष्टि करें। सभी सम्मानित अतिथियों से निवेदन है कि कृपया के दिन, क्योंकि आज ही के दिन टीवी मुक्त लखनऊ का उद्घाटन के दिन और भी पावन हो जाता है, पूरी हो जाता है। भाई यह उधर तो निकलना है। तौर पर प्राइवेट सेक्टर के बीच में अभी क्या किया गया है, एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उसमें कहा गया है कि जो भी डॉक्टर टीबी को डायग्नोस करेगा और उसका इलाज देगा उसको नोटिफिकेशन फॉर्म भी भरना पड़ेगा, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। जो चिकित्सक ऐसा नहीं करेगा उसका जो प्रैक्टिसिंग लाइसेंस है वो निरस्त हो सकता है, यहाँ तक कि 2 वर्ष की सजा भी हो सकती है। तो इससे हमारी क्या होगा कि जो मरीज है वो स्ट्रीमलाइन होंगे, हमारे ऑन रिकॉर्ड आएंगे, हम उनको ट्रैक कर सकेंगे, वरना एक तिहाई मरीज इस देश में वो पता ही नहीं चलता था कि कहाँ मौजूद है। तो ये पूरी तरह से नोटिफिकेशन हो गया है। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में, फरवरी के बजट में ये घोषणा की है कि हर रोगी को निशुल्क जांच होगी, हर टीबी रोगी को निशुल्क उपचार मिलेगा, इसके साथ साथ 500 रुपया महीना पोषण भत्ता भी उसको मिलेगा। अभी क्या होता था, टीबी के सामने हमारी एक चुनौती थी कि इलाज बीच बीच में छोड़ के लेते थे। इस पोषण भत्ता के आने के कारण लोग अब हमारे पास आने लगे हैं कि डॉक्टर साहब वो 500 रुपये वाली महीना वाली हमारी दवा का रजिस्ट्रेशन करा दो। तो उसमें क्या होगा कि हमें ट्रैक भी होता रहेगा, मरीज का फॉलोअप भी मिलता रहेगा, और इसके अतिरिक्त कहा गया कि टीबी के इलाज पूरा होने के पश्चात भी 2 साल तक उस मरीज को ट्रैक करना है कि उसने वो ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा, सामान्य चल रहा है कि नहीं चल रहा। और इसलिए आप सभी के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मेरा आग्रह है कि ऐसा कोई भी आस पड़ोस या कहीं भी कोई रोगी है जिसको 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी है, बुखार है, या खांसी में खून आ गया है, भूख कम लगती है, वजन कम हो रहा है, या कोई बच्चा है जिसके गर्दन में गांठें निकली हुई हैं, उसका विकास नहीं हो रहा है, ऐसे को आस पड़ोस के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में या किसी भी सरकारी अस्पताल में निशुल्क जांच कराएं, निशुल्क उपचार पाएं, और इसके साथ साथ उसके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी उनके अकाउंट में डायरेक्ट 500 रुपए महीने का भी ट्रांसफर होगा। अभी KGMU में पिछले महीने एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें राज्य चिकित्सा मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी आए थे, और उसमें हम लोगों ने बिडाकुलीन नाम की एक नई दवा लॉन्च की है जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा प्रमाणित है। और ये दवा MDR-TB क्या ऐसा उम्मीद है कि MDR-TB के उपचार में काफी प्रभावी सिद्ध होगी, और जिसके कारण ये जो कठिन टीबी होती है जिसको हम आम भाषा में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी या कठिन टीबी कहते हैं, उसके उपचार में भी मदद मिलेगी, सफलता। मार्केट में तो बहुत रेट है, क्या